ये आ गया हमारा शूज़ का डिब्बा। ये FG डॉन वालों के शूज़ हैं। अभी मैं आप लोगों को यूरो में भी प्राइस बताऊंगा, डॉलर्स में भी प्राइस बताऊंगा, इंडियन प्राइस भी बताऊंगा, पाकिस्तानी प्राइस भी बताऊंगा और जितने का मैंने लिया वो भी प्राइस बताऊंगा। जितने का मैंने लिया वो प्राइस आप सुन के यकीन मानो हैरान हो जाओगे, इतने सस्ते शूज़ मैंने लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस शूज़ को खोल के बताता हूँ, शॉपर हटाता हूँ और इसका डिब्बा खोलते हैं। ये आ गया इसका डब्बा। इस पे FG डॉन वालों का लोगो बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा ऑरेंज और वाइट कलर का मिक्सचर है। इसके बाद कुछ इस तरह का इसका प्रॉपर डब्बा है। यहाँ पर क्रिकेट लिखा हुआ है और जो मेन जगह है ये, मतलब यहाँ पर जो साइज़ लिखे हुए, यहाँ पर जो शूज़ के साइज़ वगैरह लिखे हुए, जो मेन जगह है वो है ये मेन जगह है। यहाँ पर शूज़ का मॉडल लिखा हुआ है, कौन सा शूज़ है। FG डॉन 222 का शूज़ है, ये 22 शूज़ है। शूज़ का पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर यूरो पे भी प्राइस लिखी हुई है और US डॉलर में भी प्राइस लिखी हुई है। आप लोगों को सबसे पहले अभी बता दूँ, यूरो पाकिस्तान में जो यूरो की कीमत चल रही है वो 201 रुपये समथिंग चल रही है इस टाइम। बाकी का तो पता नहीं। इस टाइम जो यूरो में चल रहा है 44 यूरो पाकिस्तान में बन रहा है 8,847 रुपीज़ बन रहे हैं। और जो US डॉलर बन रहे हैं, US डॉलर 175 का इस टाइम चल रहा है। 10 US डॉलर बन रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, तकरीबन 1,843 रुपीज़ बन रहे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को पाकिस्तानी प्राइस भी बताऊंगा, इंडियन प्राइस भी बताऊंगा और जितने का मैंने लिया वो प्राइस भी बताऊंगा। यकीन मानो बहुत ही सस्ते में लिया मैंने। अब मैं आप लोगों को इस ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताता हूँ, अभी मैं इसको खोलता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा ये ओरिजिनल शूज़ है, लोकल शूज़ है या ये फजूल शूज़ है, मतलब लोकल है। अब मैं सबसे पहले शूज़ को खोलता हूँ। जब हम लोग डब्बा खोलते हैं तो शूज़ कुछ इस तरह के, ये पूरा यहाँ पर FG का लोगो बना हुआ है पूरा इस साइड। इसके बाद हम निकालते हैं शूज़ को मैं एक से दो बार यूज़ कर चुका हूँ, ताकि मैंने यूज़ करके ये देखना चाहता था कि शूज़ अच्छे हैं भी कि नहीं। अगर अच्छे नहीं होते यकीन मानो मैं इसका ये रिव्यू नहीं देता, क्योंकि ऐसी चीज़ का रिव्यू दो जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो और आप लोग हमेशा इस वीडियो को लाइक, ताकि इस वीडियो को लाइक करें। बुरी चीज़ों का रिव्यू नहीं देना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को शूज़ के बारे में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताता हूँ कैसे पता चलेगा शूज़ ओरिजिनल है या लोकल है। सबसे पहले आप लोग जब शूज़ लेने जाओ तो कोशिश करो कि शूज़ की जो लेसिस होती हैं वो हमेशा अंदर से निकली हुई हो। अंदर से जो निकली हुई होती है वो मोस्टली शूज़ ओरिजिनल होते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ें आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या चीज़ चेक करनी है, आप लोग यहाँ पर पूरी नज़र दौड़ाओ, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी देखो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक, या इस शूज़ का देख लो या तो इस शूज़ का देख लो, ये पूरा शूज़ कहीं पर भी आपको गम निकली हुई नज़र नहीं आ रही होगी। जो लोकल शूज़ होंगे उनकी हमेशा यहाँ से गम निकली हुई होगी बाहर की साइड, लेकिन जो ओरिजिनल शूज़ होते हैं उनकी कभी भी गम नहीं निकली हुई होती। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है शूज़ को पहचानने के लिए कि ओरिजिनल या लोकल है, वो है ये जगह। अगर आप दोनों शूज़ों को देखो, यहाँ पर ये देखिए, इसके भी है और इसके भी हैं। यहाँ पर FG का लोगो बना होगा और पूरा शूज़ का मॉडल लिखा होगा, नाम लिखा हुआ होगा। आप लोगों ने करना ये कि जब आप लोग ये चीज़ देख रहे हो तो आप लोगों ने यूं करके चेक करना है। अगर ये स्टिकर हुआ तो आप समझ जाना ये लोकल है, फजूल है शूज़ लेना। अगर ये देखें, ये स्टिकर नहीं है, प्रिंटेड है, ये कंपनी की तरफ से प्रिंट हुआ है। लेकिन जो लोकल शूज़ होते हैं उनमें ये होते हैं स्टिकर टाइप, लेकिन ये स्टिकर नहीं है, प्रिंटेड है। अब मैं आप लोगों को नीचे से बताता हूँ नीचे से कैसे। अब काफ़ी लड़के कह रहे होंगे, यार तुम स्पाइक शूज़ भी ले सकते थे, तुमने नॉन स्पाइक शूज़ क्यों लिए। देखो यार, नॉन स्पाइक शूज़ लेने का एक बहुत बड़ा मकसद होता है। जो लड़के अकेडमीज करते हैं और जो लड़के इनिशियल लेवल पे या कोई भी खेलते हैं ग्राउंड्स वगैरह में, तो आप लोगों के लिए नॉन स्पाइक शूज़ बेस्ट हैं। क्यों नॉन स्पाइक शूज़ बेस्ट हैं? देखो, स्पाइक शूज़ सिर्फ ग्राउंड में चल सकते हैं और ग्राउंड के अलावा कहीं पर भी नहीं चल सकते। लेकिन मेरा ये है कि मैं रनिंग भी करता हूँ और साथ ही साथ अकेडमी में जो मेरा नेट जिस जगह होता है उस जगह मिट्टी है, तो मेरे उधर स्पाइक शूज़ नहीं चल सकते। स्पाइक शूज़ पहली बात वहाँ पर ख़राब हो जाएंगे और दूसरी बात वहाँ पर फिसलने का ज़्यादा खतरा होगा, चल नहीं सकते। स्पाइक शूज़ सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड में चलते हैं और कहीं पर भी नहीं चलते स्पाइक शूज़। और ये नॉन स्पाइक शूज़ हैं, ये आपको ग्राउंड में भी चलेंगे, ग्राउंड के बाहर भी चलेंगे, रनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और ये शूज़ फिसलेंगे भी नहीं। यकीन मानो शूज़ फिसलेंगे भी नहीं। जैसे जो ये लगी हुई है, स्ट्रिप्स जो लगी हुई है, बहुत ही अच्छी तरीके, अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। या इसके बाद हम ये चेक करते हैं, इसका जो टो है,
देखो टो जो टो होता है ना शूज़ का, वो मेन होता है, बहुत ज़्यादा मेन होता है टो। क्यों टो मेन होता है? अगर खुदा ना खास्ता बॉल आकर आपको सामने से हिट भी करता है तो आपका शूज़ आगे से मजबूत होना चाहिए। अगर मजबूत होगा तो आपका शूज़ आपकी उंगलियों को बचा देगा। अगर बॉल लग गया आपकी उंगलियों पर तो आपका यकीन मानो 50-70% करियर ख़त्म हो सकता है क्रिकेट का, क्योंकि टो मेन चीज़ से उंगलियां हमारी सारा जो क्रिकेट की बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, वो उंगलियों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो अभी इसका जो टो है वो यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। देखो दब भी नहीं रहा, इतना मजबूत है टो। तो इस वजह से ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसकी स्ट्रिप्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनी हुई स्ट्रिप्स, इसकी चेक करो या उसकी चेक करो, बहुत ही अच्छी तरीके से बनी। और इधर भी लोगो बना हुआ है FG डॉन वालों का। और अगर हम अंदर से देखें तो अंदर से इतने कंफर्ट है, ये शूज़ पहन के खेला भी हूँ और रनिंग भी किए, यकीन मानो इतने कंफर्ट शूज़ है कि आप लोग एक बार इसको लेंगे तो आप लोग खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने कंफर्ट शूज़ हैं ये। इसके बाद मैं अब आपको इसकी ओरिजिनल प्राइस बताता हूँ कि ये मैंने कितने का लिया। ये मैंने जो इस टाइम लिया है, ये मैंने लिया है 3500 रुपये का। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान में इसकी ओरिजिनल कीमत है वो चल रही है 5500। मैंने 3500 रुपये का लिया है। अगर आप लोग इसको ढूंढोगे, डिफरेंट जगहों पे जाओगे या लाइट हाउस वगैरह है, किसी भी ऐसी दुकान पे जाओगे जहां आपके कोई जानने वाले हैं, मतलब कोई जहां आपको लगता है कि हाँ यार यहां से सस्ते मिल जाएंगे, तो आपको 3500 से 3600 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, जैसे दराज से ऑर्डर करते हो, तो आपको ये 5500 रुपये के मिलेंगे, और 5100-5100 रुपये के तकरीबन ये शूज़ मिल जाएंगे। अगर हम इस शूज़ की इंडियन प्राइस में बात की जाए तो इंडियन प्राइस में इस शूज़ के अभी जो रेट चल रहे हैं वो तकरीबन 3600 रुपये चल रहे हैं, 3604 रुपीज़ वगैरह इस टाइम इसके इंडियन रुपीज़ में चल रहे हैं। एक छोटा सा रिव्यू था, मैंने आपको इन शूज़ के बारे में बताया, इन शूज़ की कीमत के बारे में बताया। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, लिंक आ रहा है, आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।